तो पिछले पार्ट में हमने ये समझा कि पावर्टी के क्या कारण रहे हैं हमारे देश में एंड इज दैट ओवर द ईयर्स वी काइंड ऑफ नॉट प्रोग्रेस्ड ऑन पावर्टी आज हम वो डिस्कस करेंगे जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि इतने सालों में डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने क्या पावर्टी को सिर्फ नज़रअंदाज किया या उसके लिए कुछ किया भी कुछ पॉलिसीज कुछ प्रोग्राम्स फॉर पावर्टी एलिविएशन द वर्ड इज एलिविएशन विच मीन्स रिडक्शन पावर्टी को कम करने के लिए नाइनटीन फिफ्टीज क्या क्या किया गया कौन कौन से प्रोग्राम्स किए गए दैट इज वॉट वी हैव टू डिस्कस इन टूडेज वीडियो वेलकम एवरी वन आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेज दिस इज इंडियन इकोनमी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड ट्वेल्थ एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर सेवन पावर्टी और उसमें आज पढ़ेंगे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एम्ड एट पावर्टी एलिविएशन अब मैं थोड़ा यहां पे क्लैरिटी दे दूँ आई फॉलो टू बुक्स वैन आई डू माई वीडियोज आई फॉलो एन सी आर टी एंड आई ऑल्सो फॉलो टी आर जैन अब ये वाला टॉपिक टी आर जैन में थोड़ा डिटेल्ड है एन सी आर टी में थोड़ा शॉर्ट क्रिस्प है सो वट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू डू टू वीडियोज ऑन जस्ट दिस टॉपिक सो दैट वी कवर ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स दोनों बुक्स के ताकि स्कोप ही ना रहे कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो आपके पास लिखने में दिक्कत ना हो आपको ओके सो टूडेज वीडियो इज़ क्लियरली एन सी आर टी बेस्ड और इस पर कई बार एक सवाल आता है विच एम गोइंग टू डिस्कस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो इसीलिए आज की वीडियो को हम पावर्टी के लिए क्या क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने वी विल डू इट फ्रॉम एन सी आर टी पॉइंट ऑफ व्यू इन टू वीडियो ठीक है तो चलो शुरुआत करते हैं uh, सबसे पहला फंडा दिमाग में रखना है ये तो 1947 में ही दिख गया था हमारे को सी वी हैड द बैकग्राउंड फॉर पावर्टी सेट वे बिफोर द इंडिपेंडेंस ब्रिटिश राज में आप जानते हैं वी बिन डूइंग इट इन द फर्स्ट इन द सेकेंड थर्ड चैप्टर की एक्सप्लाइटेशन बहुत ज़्यादा थी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर तो हम लोग और हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स भी उनके हाथ में थे तो जब हम लोग और ऊपर से पार्टीशन हुआ पार्टीशन पॉलिटिकली एक इशू तो था बट इकोनॉमिकली तो ये बहुत ही बड़ा इशू था बिकॉज जो हमारी जूट बेल्ट कैश क्रॉप्स की बेल्ट थी वो पाकिस्तान के पास जा चुकी थी एंड देन वी वर लेफ्ट विद नथिंग आई एम श्योर पाकिस्तान ऑल्सो हैड इट्स ओन शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स बट हमें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं तो हम इसलिए उस लॉजिक को लगा रहे हैं ठीक है तो हमें पावर्टी विरासत में मिली थी यू यू कैन एक्चुअली कोट इट लाइक दैट कि हमें विरासत में पावर्टी मिली वी वर एब्सोल्युटली पुअर इन 1947। फोर्टी तो 1950s में दिखने लग गया था कि कुछ करना पड़ेगा तो तुम्हें पता है 1950 से प्लानिंग शुरू हुई थी फाइव ईयर प्लान तो जब प्लानिंग शुरू हुई तो पावर्टी को इग्नोर तो नहीं कर सकते थे तो उसको दिमाग में रखते हुए एक थ्री डायमेंशनल अप्रोच लिया गया यानी तीन ऐसे रास्ते ढूंढे गए जिससे पावर्टी कुड हैव बीन टैकल्ड वो तीन रास्ते क्या थे थ्री डायमेंशनल अप्रोच वन वॉज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच यानी ग्रोथ पे फोकस करो एंड ग्रोथ इन इकोनॉमी मीन्स सिंपल जी डी पी ग्रोथ जी डी पी बढ़े नेशनल इनकम बढ़े हम लोग अमीर हों एज अ कंट्री वो अप्रोच पकड़ के मूवमेंट शुरू हुई सेकेंड अप्रोच वॉज क्रिएशन ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स यानी आप देश में ऐसे एसेट्स बनाएं ऐसे सिस्टम्स uh, बनाए जिससे लोगों की इनकम जनरेशन का साधन बन सके ये क्या है हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे सिंपल शब्दों में कुछ तो सरकार करेगी कुछ लोग इनकम कमा पाए वो जो सिस्टम है वो बनाना चाहती थी गवर्नमेंट एंड द थर्ड अप्रोच वाज प्रोविजन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज टू पीपल स्पेसिफिकली पुअर पीपल कुछ बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ज़िंदगी नॉर्मल अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली जीने के लिए कुछ बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं जो देश के हर इंसान को मिलनी ही चाहिए और उसकी शुरुआत नाइनटीन में गवर्नमेंट ने ही करनी थी क्योंकि उस समय कोई और तो ये करता नहीं सो दे टू के थ्री प्राउंड अप्रोच ग्रोथ पे फोकस करो यानी जीडीपी नेशनल इनकम बढ़ाओ इनकम जनरेशन एसेट्स पे काम करो यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरीके क्रिएट करवाओ एंड फाइनली एमिनिटीज फैसिलिटीज़ दो लोगों को ताकि बेसिक्स तो एटलीस्ट इन प्लेस हो ये अप्रोच के साथ शुरुआत हुई ओके okay? अब पहले समझेंगे कि इन अप्रोचेज में क्या क्या किया और ये अप्रोचेज किस किस फाइव ईयर प्लान से स्टार्ट हुए वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज कीप इन माइंड एमसीक्यूज आ सकते हैं तो दिमाग में रखिएगा ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच क्या है 1950s एंड अर्ली 1960s के सारे प्लान्स में इस पे फोकस था

वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत फोकस किया हैवी इंडस्ट्रीज बनाई गई स्टील सीमेंट इन पे बहुत ध्यान दिया गया रिमेंबर वो सारा क्यों किया गया इस अप्रोच के अंडर यार ग्रोथ का मतलब ही है कि तुम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाओगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर को फोकस किया और इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करने की बहुत कोशिश की विद द आइडिया कि जीडीपी बढ़ेगा देश अमीर होगा जब देश अमीर होगा तभी तो आगे वो पैसा बांटा जाएगा सो दैट वॉज द फर्स्ट अप्रोच लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया विच वॉज अवॉइड जॉबलेस ग्रोथ नाउ जॉबलेस ग्रोथ इस बात पर खास ध्यान देना सो ग्रोथ मीन्स जीडीपी इंक्रीज जीडीपी इंक्रीज मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का इंक्रीज अब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो मशीनों से भी बढ़ सकता है राइट right? यानी अगर आपकी इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिव हो जाती अब जादा -जादा है अब ज्यादा से ज्यादा मशीनें लगाते हैं मैकेनाइज हो जाते हैं तो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ जाएगी है कि नहीं बट द फंडा इज कि अगर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ी लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ी तो सुनर और लेटर ये जो दूसरा पॉइंट है इनकम जनरेशन का ये डूब जाएगा तो इसीलिए खास ध्यान रखा गया कि जॉबलेस ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेंगे यानी ग्रोथ चाहिए बट अलोंग विद जॉब क्रिएशन नॉट विदाउट जॉब यानी मशीनें लगा लगा के ग्रोथ नहीं करेंगे कुछ ऐसे ग्रोथ करेंगे थोड़ा बहुत मशीनों से काम करवाएंगे और काफी लोगों से ताकि जॉब्स क्रिएट हों ऑल्सो इंक्लूजन पर बहुत फोकस था वॉट इज इंक्लूजन सारे तबके के लोगों को इिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट कलर क्रीड रिलीजन एथनिसिटी सबको इंक्लूड किया जाए ताकि रिच और पुअर का जो गैप है वो कम हो तो कोई भेदभाव नहीं करेंगे हम अनफॉर्चुनेटली 91 के आसपास ये बैंड बच गई इसकी बट खैर एनी शुरुआत अच्छी सोच से हुई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो शुरुआत बहुत अच्छी सोच से हुई थी कि इंक्लूड करेंगे सबको जॉबलेस ग्रोथ अवॉइड करेंगे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से पावर्टी को ठीक करने की कोशिश की गई हाँ बट प्रॉब्लम्स रही ग्रोथ उतनी हुई नहीं स्टेगनेंट थी इंडस्ट्रीज भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी और ग्रीन रेवोल्यूशन हम बढ़ चुके हैं कुछ ही स्टेट्स को और कुछ ही क्रॉप्स को उसने इम्पैक्ट किया तो जो उन्होंने सोचा था ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत पैसा कमाएंगे और वो ट्रिकल डाउन होके हर किसी के पास पहुंचेगा वो ज़रा नहीं हुआ एंड दैट इज़ वाई द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ओवर द ईयर्स हैज़ जस्ट इंक्रीज वो कम नहीं हुआ उसका एक बहुत बड़ा विलन पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन नहीं बस में आई इसीलिए इनसे सब जो हैं थोड़े उड़ते चले गए ओके सेकेंड पॉइंट क्रिएशन ऑफ इनकम जनरेशन एसेट्स यार देखो हर चीज सरकार तुम्हें प्लेटर पर नहीं दे सकती फॉर सम थिंग्स वी आईज हैव टू वर्क आवर सेल्व हमें अपना पैसा कमाना आना चाहिए हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं करेंगे सरकार विल लुक आफ्टर अस विद अ कंट्री लाइक इन अ कंट्री लाइक आर जहां पॉपुलेशन इतनी ह्यूज है रिसोर्सेज कम है इन कंपेरिजन वी नीड टू वर्क फॉर आर सेल्व लेकिन इसकी शुरुआत सरकार ने की इनकम जनरेशन एसेट्स क्रिएट करके कैसे थर्ड फिफ्थ ईयर प्लान थर्ड फाइव ईयर प्लान 1961 टू 66 से इसकी शुरुआत हुई जहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया गया 1970s में फूड फॉर वर्क यानी काम करोगे तो पैसा मिलेगा काम करोगे तो पैसा मिलेगा लाइक दैट एंड इसमें बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स रूरल लाइवलीहुड स्कीम्स खादी उद्योग पे बहुत फोकस किया खादी में खूब पैसा लगाया कारण गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग अलॉट ऑन खादी बिकॉज खादी रूरल एरिया की बहुत तगड़ी लाइवलीहुड है विच हैज बीन इग्नोर्ड ओवर द ईयर्स तो खादी पे पैसा लगाओ ग्राम उद्योग पे पैसा लगाओ सरकार ने पंप इन कर दिया एक इकोसिस्टम एक बना दिया जिससे लाइवलीहुड क्रिएट होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी फिर क्या करा बैंक सेटअप किए इजी लोन्स इजी क्रेडिट टर्म्स पे देना शुरू किया एंड ओवर द इयर्स बैंक लोन से मूव करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे फोकस आ गया ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सो बैंक लोन्स क्या होते हैं आप बैंक के पास जाएंगे वो आपको लोन देंगे व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप दस बारह लोग इकट्ठे होंगे दो -दो, दो 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 हजार हर कोई डाल रहा है आप में से किसी एक को जब लोन की जरूरत है तो आप ही लोग मिलकर उसको लोन दे देंगे ऑन ईजी इंटरेस्ट एंड टर्म्स है ना तो क्विकर एंड माइक्रो क्रेडिट आसानी से मिलता है इसमें वॉट इज माइक्रो क्रेडिट कम लोन दस हजार का लोन कभी बैंक तो देने नहीं वाला लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप दे देगा. तो धीरे धीरे बैंक लोन से सिस्टम बढ़ा के की प्रमोशन में लगा और स्कीम्स लाइक मनरेगा जहाँ पे सौ दिन की असेंशियल लाइवलीहुड जनरेट हो रही थी वो सब निकाली गई ताकि लोगों को एक इकोसिस्टम मिले जहाँ वो अपना काम कर सकें अब गोइंग फॉरवर्ड 2014 थाउजेंड ऑनवर्ड्स वी हैड द एक हमारी स्कीम आई है विच इज़ स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया क्या है अपना काम करो जेनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर टेन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आर दर पीपल यही तो है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के चलते गवर्नमेंट ने बहुत पॉलिसीज निकाली है, support mechanisms हैं सपोर्ट मैकेनिज्म कर रखे हैं क्यों क्योंकि यार ये हर कोई समझता है सरकार भी समझती है और अब इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती इट विल गिव यू एन इको सिस्टम एंड यू विल हैव टू क्रिएट दैट इम्प्लॉयमेंट जेनरेन फॉर योर सेल्फ करो और करते करते दोनों का फायदा तुम्हारा भी और देश का भी वही लॉजिक यहाँ पर इन्होंने सेटअप किया फाइनली एमिनिटीज प्रोवाइड करो मतलब फैसिलिटीज़ ये शुरू हुआ फिफ्थ फाइव ईयर प्लान ऑनवर्ड्स एंड वट आर द फैसिलिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट सम बेसिक फैसिलिटीज एवरी वन शुड गेट हेल्थ एजुकेशन हाउसिंग कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिसिटी ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ये तो बेसिक है ना इनकी फैसिलिटीज हर किसी को मिले इसकी कोशिश की गई अब देखो फंडा क्या है मिड डे मील तुमने सुना होगा कि प्राइमरी स्कूल्स में मिड डे मील दिया जाता है ये स्कीम इसके चलते ही था क्यों क्योंकि ना बच्चों को राइट टू तो एजुकेशन है प्राइमरी लेवल तक एटलीस्ट फ्री एजुकेशन भी देते हैं कई स्टेट गवर्नमेंट्स लेकिन बच्चे ड्रॉप आउट करते थे क्योंकि खाने को भी नहीं कुछ होता था पढ़ेंगे क्या तो सरकार ने मिड डे मील का सीन चला दिया कि चलो हम तुम्हारा खाने का प्रोग्राम खत्म कर देते हैं बुक्स वी आर गिविंग यूनिफॉर्म वी आर गिविंग मिड डे मील वी आर गिविंग यू जस्ट कम टू स्कूल एंड टेक एजुकेशन बिकॉज एक ही तरीका है वाकई एक ही तरीका है जिससे पावर्टी खत्म हो सकती है एंड दैट इज एजुकेशन और इसीलिए सरकार ने 14 इयर्स की एज तक राइट टू एजुकेशन लगा रखा है अब तो तुम्हें पता है आर के अंडर प्राइवेट स्कूल्स में भी सीट रिजर्व होती है सो दैट एवरी गेट्स बेसिक राइट टू एजुकेशन ठीक है उसके चलते इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम करी जनधन योजना जिसमें सौ रुपए से बैंक अकाउंट खोले गए सो दैट एवरी इन द कंट्री हैज बैंक अकाउंट और ये क्यों जरूरी है कई लोग इसका बहुत मजाक उड़ाया था स्कीम का बट एवरी वन नीड्स टू थिंक मैक्रो इकोनॉमिकली जनधन योजना हेल्प्स इन क्रेडिट क्रिएशन यानी बैंक्स में ज्यादा पैसा आता है जो आगे इकोनॉमी को ड्राइव करने में लोन देने में प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है दैट्स वन पॉइंट ऑफ व्यू द सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इज इंक्लूजन गाई इंक्लूजन तुम्हारे घर में जो मेड काम करती है उसका बैंक अकाउंट नहीं था तो उसकी आइडेंटिटी नहीं थी तो उसके राशन कार्ड की दिक्कत थी वो कुछ भी कहीं पैसा नहीं इकट्ठा कर सकती थी घर में पैसा होता था पति आता था मारता था दारू पीता था, था और पैसे ले जाता था टू अवॉइड ऑल दी सिचुएशन एंड टू स्टार्ट बेसिक थ्रिफ्ट कि भाई हर कोई थोड़ा बहुत तो सेव करे इकोनॉमी में कुछ तो हर किसी के पास सेविंग हो सौ रुपये से बैंक अकाउंट खोले गए अंडर दिस स्कीम अदरवाइज इवन योर सरकारी बैंक्स सौ रुपए से अकाउंट नहीं खोलते आई थिंक मिनिमम बैलेंस हज़ार का सरकारी बैंक्स में भी है और प्राइवेट में तो पांच और कईयों में दस हजार का मिनिमम बैलेंस है उससे अकाउंट खुलता है कौन सा गरीब इंसान पांच हजार का एक स्टैंडर्ड बैलेंस रख के छोड़ सकता है कोई भी नहीं सौ रुपए से खोले जा सकते हैं तो जनधन योजना नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ड्राइव किया गया जिसके थ्रू एल्डरली एंड डेस्टिट्यूट्स मतलब जिनका कोई नहीं है उनको एक भत्ता या जैसे हम पेंशन बोलते हैं वो दी गई फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी मंथ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टेकिंग केयर ऑफ देम अब ऐसे बहुत प्रोग्राम्स थे जो एम्यूनिटीज के चक्कर में रन किए गए वी विल डू अ वीडियो स्पेसिफिकली ऑन ऑल द प्रोग्राम्स अंडर दिस वो हम एक अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि डिटेल टॉपिक है सीधा ओवरऑल द अप्रोच द इंटेंशन हैज़ बीन गुड करने की बहुत कोशिश की गई है करा भी बहुत है बट लाइक आई सेड एक बहुत बड़ा विलन है पॉपुलेशन जो हमेशा जिसके आगे ये सारे जो एफर्ट्स हैं वो कम पड़ जाते हैं दूसरा बहुत बड़ा जो विलन ओवर द ईयर्स आया है दैट इज करप्शन एंड ग्रीड ग्रीड एंड करप्शन इन एबिलिटी टू लुक एट दी अदर पर्सन सिचुएशन कि यार ये बंदा क्या करेगा इसके पास तो कुछ भी नहीं है उसको भी इग्नोर किया गया है इसीलिए आज तक जो हमारा ये थ्री डायमेंशनल अप्रोच को जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था उतना नहीं हुआ करप्शन के चलते ग्रीड के चलते ये सब चीज़ें लोगों तक पहुँची नहीं एंड पॉपुलेशन हैपन्स टू बी ऑल्सो अ मेजर विलन ओके आई होप नाउ दीज थ्री ये अप्रोचेस क्लियर है अगली वीडियो में करेंगे टी आर जे बेस्ड जो इसके पॉइंट्स हैं उसको डिटेल में समझेंगे एंड देन वील सम अप एंड अंडरस्टैंड कि इनकी दिक्कतें क्या रही एंड हाउ इज दैट दिस थ्री डायमेंशनल अप्रोच वॉज नॉट रियली अ ब्रिलियंट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ पावर्टी यू नो एलिविएशन ओके अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा टिल देन बायदे द वे द लास्ट क्वेश्चन विज आई हैड सेड से क्वेश्चन पूछा था वो क्या है वाई हैज द थ्री डायमेंशनल अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट फेल टू कम्बैट पावर्टी ये छः नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है इसमें आप ये तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट द वाईज कि क्यों नहीं पावर्टी एलिवेट हो पाई इन अप्रोचेस के बावजूद उसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में टिल देन स्टे ट्यून एंड डोंट लाइक टू शेयर सब्सक्राइब कमेंट बाय टेक केयर